चौथा सवाल है ये गिफ्ट मंजिल का 40 इंच एलईडी हाई स्टेक की तरफ से सवाल आपकी स्क्रीन्स पर अब आएगा। यूके के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन किस सियासी जमात के लीडर हैं? देखा आपने बोरिस जॉनसन को, वो जी, बिल्कुल ट्रंप की तरह लगते हैं, बिल्कुल ट्रंप है ना, उसके लगता है कि किसी मेले में खो गए थे भाई लगते हैं, कजन और कुछ हरकतें भी कुछ मुझे तो एक जैसी लगती हैं। जी कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी? यूके के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन किस सियासी जमात के लीडर हैं? आप किस जमात को फॉलो वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं? बेसिकली ऑनियर तो बताना नहीं है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं दे आर फेल एंड नहीं, आप बता सकते हैं अगर आप किसी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? आई सपोर्ट PMLN। PMLN को सपोर्ट करते हैं? अच्छा, और शुरू से करते आए हैं या अब आपका माइंड चेंज हुआ है या क्या? शुरू से नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको जब वो होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब दूसरे आते हैं तो फिर वो यकीनन पीछे वाले अच्छे लगते हैं। जो एज अ बिजनेस माइंड आपको लगता है PMLN वाज बेटर फॉर बिजनेस? वेरी वेरी गुड। अच्छा, बिकॉज उनका खुद एक बैकग्राउंड है बिजनेस का, तो इस वजह से वो बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और जब उनकी गवर्नमेंट आती है बिजनेस फलता फूलता है। अच्छा, और बिजनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइक जाहिर है आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में। आई डोंट नो अबाउट ये कि बिजनेस को उन्होंने क्या जो है सपोर्ट किस तरीके से किया, वो जाहिर है जो बिजनेस में होता है उसी को इस चीज का पता होता है, तो आपको लगा कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस उन्होंने देवर उन्होंने सपोर्ट ज़्यादा किया था बिजनेस? बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अब क्या है आजकल के हालात क्या है? मुझे कई दफ़ा लोग कह देते हैं ना क्योंकि मैं मेरा भी ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, एनी बडी जो अच्छा काम करे मुल्क के लिए वो अच्छा है, और जो गवर्नमेंट में है अगर वो अच्छा कोई नहीं कर रहे तो हमारा काम है ये कहना, बिकॉज भुगतना तो हमने है। सो कहते हैं कि जी आप उसकी बुराई तो इसकी अच्छाई, तो इट इज़ दी आइडिया इज़ कि जो गवर्नमेंट में है अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस पर आप तालियाँ बजाएँ, और अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो ये आपको लगता है कि इस पर ज़रूरत है तो आप वो कहें ज़रूर। देखिए मेन चीज़ होती है आपकी गवर्नेंस, अगर वो अच्छी चल रही है, मुल्क अच्छा चल रहा है तो सॉरी सभी खुश होंगे और छोटे मोटे अप डाउन मायने नहीं रखते, लेकिन जब आपकी इकॉनमी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपकी बिल्कुल डाउन है, गवर्नेंस हो नहीं रही इनसे तो कैसे ग्रो करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एंड आप नहीं सोच सकते, ये देख रहे हैं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, आप तो ये क्या है ये चेंज है जो पब्लिक चाह रही थी कि एक्चुअली जो तब्दीली आए वो तब्दीली देख रही है, एंड तब्दीली आई है यानी हाँ, तब्दीली आई और वेरी पीपल आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपने देख रहे हैं कि पीपल डोंट हैव जॉब्स, वेरी फ्रस्ट्रेटेड, तो अगर ये हकीकत है और तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त लोग गवर्नमेंट पे हैं और जो जिनके पास ये पावर है उनको इससे आंखें लाइक मुंह नहीं फेरना चाहिए, इस रियलिटी को फेस करना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द रियलिटी, तो इसमें किसी के नंबर बनाने या नंबर ना बनाने की बात नहीं है, हम ही सफ़र कर रहे हैं और हम ही सफ़र करेंगे और अच्छा होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। सो अब क्या करें इस वक्त, तो यू नो उर्दू का सफ़र हो अंग्रेज़ी का सफ़र हो बड़ा फर्क होता है दोनों में। जी यूके के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन किस सियासी जमात के लीडर हैं? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी? ऑप्शन ए कंजर्वेटिव पार्टी। यस पक्का? या श्योर, बिकॉज़ पॉलिटिक्स से थोड़ी हाउ नाउ है। यस सो दैट्स व्हाई। ठीक है, तो फिर इसको लॉक कर दें? बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दें जी, लॉक करते हैं। आई थिंक हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स जो है वो थड़े पे भी है और जो ड्राइंग रूम्स हैं उधर भी है, बिकॉज एवरीबडी इज़ अफेक्टेड और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप स्ट्रीट्स पे चले जाएं तो लोग आपको अवेयर नज़र आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। जी और सवाल था कि जी यूके के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन किस सियासी जमात के लीडर हैं? आपने ऑप्शन लिया है कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन ए। जी बताइए, इज दिस द राइट आंसर? ये बिल्कुल सही जवाब है। गिफ्ट मंजिल आपने तय कर दी, बहुत मुबारक हो आपको। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।